दिन की शुरुआत करने के लिए पराठा एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और खासकर अगर वो पराठा ओट्स से बना हो, उसकी स्टफिंग ओट्स से बनी हो, साथ में बढ़िया से टमाटर प्याज का मसाला हो, तो बात ही कुछ और है। ऐसा ही मैंने आज जो पराठा बनाया है उसमें ओट्स है, टमाटर है, प्याज है, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डो लगा लेंगे। इसके लिए हमें आटा लेना है, और यहाँ पर हम डालेंगे आटे में थोड़ा सा मिंट यानी कि पुदीना चॉप करके, इसमें जाएगा थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया चॉप करा हुआ। इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स टू मेक इट लिटिल स्पाइसी। इसमें जाएगा नमक, अगर आप चाहें यहाँ पर थोड़ा सा अजवाइन डाल सकते हैं, बट आपकी मर्जी है। इसके बाद हम इसका पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। डो लगाने के बाद याद रखिएगा आपको लगभग 20 मिनट इसको रेस्ट ज़रूर देना है। तो मैंने इसमें हल्का सा डो लगाने के बाद ऑयल लगाया है, और अब मैं इसको लगभग 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देता हूँ। अब बढ़िया से इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें तेल गरम करना है, इसमें डालें जीरा, जीरा देखिए हल्का सा क्रैकल कर रहा है, इसमें हम डालते हैं चॉप किया हुआ जिंजर यानी कि कटा हुआ अदरक, इसके बाद इसमें जाएगा कटा हुआ प्याज यानी कि चॉप करा हुआ प्याज इसमें डालें। प्याज को कलर नहीं देना है आपने, हल्का सा सॉफ्ट रखना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर, इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। अब नमक और मसाले डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं नमक, इसके बाद इसमें डालें जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी का पाउडर, और इसी के साथ साथ हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया, और साथ साथ हम डालेंगे धनिया का पाउडर भी यानी कि कोरिएंडर पाउडर। और इस मसालों को हम लोग भून लेते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है आपने, बस सॉफ्ट रखना है। इसके बाद हम इस मसाले को भून लेते हैं, और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। आप चाहें तो कसूरी मेथी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें अगर आपको पसंद है, और नहीं पसंद है तो आप ना भी डाल सकते हैं। तो ये जो हमारा मसाला है, देखिए हल्का हल्का सा इसमें ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और ड्राई सा हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं ओट्स, जो रोल्ड ओट्स आते हैं मार्केट में वो हम इसमें डाल देते हैं, और आप ओट्स डालने के बाद देखेंगे कि ये जो मसाला है एकदम से ड्राई हो चुका है। इसका मॉइस्चर ओट्स ने सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया है, और हमें इसी को लगभग 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से पकाना है। तो इसको हम ठंडा कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको स्टफ़ करना शुरू करेंगे पराठे में। तो जो हमने डो को रेस्ट करने के लिए रखा था, इसको इस तरह से फ्लैट करना है हमने, और इसमें स्टफिंग करनी है। तो इसको इस तरह से हम लोग करेंगे स्टफिंग, और अगर स्टफिंग करने में आपको प्रॉब्लम है, आपको लगता है ये साइडों से निकल जाएगा, तो आप इसमें फोक की हेल्प से थोड़े से छेद कर सकते हैं पराठे में, उसको हल्का सा बेलने के बाद। तो इससे होगा ये कि साइडों से नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें जो एयर बन जाती है वो साइड से एस्केप होती है, तो वो सामने से हो जाएगी और आपका जो पराठा है परफेक्ट बनेगा। हल्का हल्का अगर साइड से निकले तो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, आपका पराठा तब भी अच्छा ही बनेगा। तो बस हमें इसको बेल लेना है इस तरह से, और पराठे की तरह इसको सेक लेना है। तो पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको हम सेक लेते हैं। आप घी, तेल, मक्खन जो चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसको सेकने के लिए। तो
तो दोनों तरफ से हमने इसी तरह से इसको सेकना है और अब हम इसको सर्व कर सकते हैं दही के साथ, रायते के साथ। Very nice texture of oats and very good flavor and taste of tomatoes. Do try this recipe. It's simple, delicious and very easy to make.